स्वागत है दोस्तों आप सबों को चेन्नई तमिलनाडु की ब्लॉग वीडियो में। हाँ, यहाँ पे रह करके मैं चेन्नई तमिलनाडु की समुद्र का पुराने घर, चेन्नई तमिलनाडु का जो चेन्नई सेंट्रल है और मरीना बीच और पुराने इतिहास, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दिखाने का कोशिश करता रहा हूँ और मैं लगातार बना हूँ अब तक। और मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर चीज़ जो चेन्नई तमिलनाडु का है उसे मैं आप तक पहुँचाऊँ। हाँ दोस्तों, तो आइए एक नए वीडियो के साथ हम लोग इस को शुरू करते हैं और आगे की ओर देखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अगर अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। भारत की जय हो। हम लोग अभी कहाँ पे हैं? हम लोग अभी चेन्नई तमिलनाडु में एक जगह पर कंपनी के बगल में है। हम लोग समुद्र देखने के लिए आए हैं। बस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पीछे समुद्र, आगे बढ़ना फिर दिखाएंगे। और हम लोग के सामने आप लोग देख रहे होंगे, है ना, जो इधर क्या कर रहे हो पीछे हैं भाई लोग, मछली पकड़ते हैं ना। वो सारा क्या गाँव है देख सकते हो, वो सारा इधर अपना अपना पकड़ने के बाद अपना जाल सुधारने में लगे हैं। हम लोग पीछे तरफ आप लोग देख सकते होंगे, है ना, अच्छा होगा, है ना, पीछे तरफ आप लोग देख रहे होंगे। जाल सुधारेगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर करेगा। ये देख पा रहे होंगे, है ना, ये समुद्र से थोड़ा सा किनारे है, यहाँ से ही लोग थोड़ा सा घसका देते होंगे नीचे तरफ, है ना। आप लोग देख रहे हैं पीछे तरफ से थोड़ा सा इसको ठेलते होंगे, जैसे ही ये नीचे तरफ आता है उसके बाद में सीधा समुद्र में घुस जाता है ना। क्योंकि घुसाते हुए हम लोग देखे नहीं हैं इसलिए हम लोग नहीं बता पाएंगे, पर इतने सामने हैं लोग देख रहे होंगे समुद्र का लहर कितनी करीब से आ रही है। थोड़ा सा दूरी है, लगभग इससे दूरी लगभग 20 फीट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो ये खूबसूरत नज़ारा है। और आप अनिल थोड़ा बताइए कि वहाँ पे आप देख रहे हैं ना पत्थर जो खिसका हुआ दिख रहा है, वहाँ पे क्यों ऐसे दिख रहा है? वहाँ पे पत्थर खिसका हुआ दिख रहा है, उसका कोना में है, पानी का लहर के कारण हुआ है। क्योंकि पानी हलकोरा लेते हुए जैसे पीछे जाता है फिर धक्का मारता है, धक्का मारता है। और वो पत्थर को इसलिए रखा था पानी का बहाव जो है वो दबाव को कम बनाए ताकि इधर पानी बाहर तरफ ना आए, जो रखा हुआ था इसलिए, लेकिन उसको भी गिरा दिया। तो इधर भी पत्थर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं। जी, आपको मैं दिखाने कोशिश करूंगा, पीछे साइड में आप देख पा रहे होंगे जो घर है पत्थर के सटा हुआ घर है ना। हाँ, बगल में ही घर आप देख सकते, इधर मेरे घर भी देख सकते हैं। और पत्थर इसलिए रखा गया ताकि पानी जो आता है पूरा दबाव के साथ उसको रोके, ठीक है, फिर से पानी फिर से आता है, फिर से पत्थर में दबाव बना के फिर से मैंने चला जाता है। और एक बात बताइए थोड़ा सा, समुद्र इसे भरता है कि नहीं भरता है? समुद्र भरता है, क्यों नहीं भरेगा, भरता है, लेकिन मैंने एक जगह स्थिर है क्योंकि इसका मैंने परमेश्वर मतलब बनाने वाला नहीं, खुदा ने ऐसा बनाया है कि एक जगह ठहराया है, इसी तरह है जिसमें समुद्र नदी को बनाया, नदी का पानी बहते रहता है फिर आगे समुद्र में, लेकिन ये बहुत गजब ही है समुद्र। अच्छा ठीक है, हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पानी जो देख रहे हैं ना, ये पानी से और घर का ऊंचाई कितना है लगभग? वो जो वहाँ का सामने है पानी से और घर का ऊंचाई कितना दूरी है, ऊंचाई है बताइए? तो ज़्यादा नहीं होगा, ये 4-5 फीट, लेकिन दूरी हो सकता है, दूरी हो सकता है, लेकिन ऊंचाई ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगा, 5 फीट, चलिए 7 फीट है ना। दोस्तों, ये हमारे अनिल भाई बता रहे हैं, ये जो लहर देख रहे हैं ये समुद्र का है ना, इससे ऊंचाई कहा जाए तो लगभग इसे और 2 फीट ऊंचाई है ना, सिर्फ इतना ऊंचाई है। अगर समुद्र भरता ना तो 5 फीट ऊंचाई या 7 फीट ऊंचाई होता तो शायद आप पीछे देख रहे हैं वो घर है ना, ये सारा घर को बराबर कर देता है ना। और आपको मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, देख पा रहे होंगे, हाँ इधर देख रहे होंगे, ये घर दिख रहे हैं, ये एक लाइट है ना, हाँ वो सब घर है, वो भी वही 7 फीट ऊंचाई में है। अगर उतना सा ज़्यादा पानी भरता ना समुद्र के ऊपर तो शायद उन लोग का घर को भी समुद्र बराबर कर देता है ना, पर ऐसे नहीं करती है क्योंकि
आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बरसात के समय भी आते हैं, सभी के समय आते हैं देखने के लिए। लेकिन ये पानी अगर देखेंगे तो जो वहाँ दिख रहा है वो लगभग इतना सा हो सकता है, यानी वहाँ से लगभग ये आसपास आ सकता है ना, देख रहे होंगे ये, यानी जहाँ है वहाँ से लगभग 2 फीट यानी अधिक से अधिक क्या बोला जाए 3 फीट तक ऊंचाई होती है, यानी पानी भरता है उसके बाद में ज़्यादा नहीं भरता है ना। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है जो यहाँ के लोग मछली ककड़ा सब फंसाते होंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे है, उधर भी है, ककड़ा मछली फंसाते हैं उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है पूरा गंदा जिसको खाने के लायक नहीं होता है, जिसके वजह से लोग उसे फेंक देते हैं। चारों तरफ देख रहे होंगे समुद्र ही समुद्र। और एक सवाल है दोस्तों आप सबों से, किसी के पास उसका जवाब है तो हमें ज़रूर बताइएगा, कि आखिर समुद्र का अंत क्यों नहीं दिखता है ना, ये सवाल हर किसी के जहन में घूमती रहती है। पर इनका सटीक सवाल मैं बता सकता हूँ, पर ये सवाल पहले आप लोग से रहेगी, बाद में मैं उसका आंसर दूंगा, है ना। ठीक है, बन खा रहे दोस्तों, बन क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, बन बन मीठा वाला है, मीठा वाला बोलते हैं ना। देख रहे होंगे हम लोगों को ही अच्छा लगा है ना, इसलिए आए हैं और इस समुद्र का खूबसूरत हवाओं के साथ में इसका आनंद ले रहे हैं। आप सब भी हमारे साथ बने रहिए और समुद्र का बेहतर नज़ारा बेहतर जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे, है ना। ये हमारे अनिल दोस्त हो गए, चलिए ये गांव गए थे, आप लोग को बताया था ना एक वीडियो में कि ये गांव जा रहे हैं ना, गांव से वापस आ गए हैं ना। कब कितना दिन हो गया वापस आए हैं सर? अरे बात आज मिला के 10 दिन, आज मिला के 10-12 दिन हो गया ना। तो अभी फिर से नया दोस्त के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे और वीडियो बनाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। और इसका मरीना बीच आप लोग कुछ वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो हम लोग फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। और हॉर्स बोलते हैं ना, हाँ उसमें भी हम लोग सवारी करेंगे और उसका एंजॉय वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए हमारे दोस्तों को बोलिए बाय आज के लिए।